कुमारधवी बाजार में हुए बम कांड का इस डीपीओ ने किया निरीक्षण। शुक्रवार की दोपहर कुमारधवी बाजार में शराब व्यवसायी डूगसाव द्वारा बकरीपट्टी स्थित होटल में बमबारी करने को लेकर शनिवार की सुबह एसडीपीओ विजय कुमार कुशवाहा ने कुमारधवी ओपी प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान पीड़ित दुकानदार उत्तम देश से मिलकर घटना की जानकारी ली एवं डूगसाव द्वारा अवैध रूप से चलाए जा रहे शराब का दुकान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकान बंद पाया गया, परंतु दुकान के पीछे एक गुमटी जो कि डूगसाव का बताया गया उसमें से एक गैलन मिला जिसमें से शराब की बू आ रही थी। एसडीपीओ ने कहा कि डूगू सातिर अपराधी है, इसके पूर्व भी इसके नाम से कई मामले दर्ज हैं। उसे आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट सहित अन्य धाराओं के साथ जेल भेज दिया गया है। आइए बात करते हैं एसडीपीओ विजय कुमार कुशवाहा से। एकल डूगू साहब कट्टा दिखाकर और वहां पर एक बम बाजी भी किया था, तो उसी का हम जांच पड़ताल करने के लिए आए थे। पता चला कि इसका यहाँ बेटा और डूगू साहब अवैध शराब का भी दुकान चलाता है, तो अभी दुकान बंद है और इस संबंध में हम आगे की भी जांच करेंगे और ये इस पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। डूगू साहब को गिरफ्तार किया गया है, उसको आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव एक्ट, रंगदारी मांगना आदि धाराओं के अंतर्गत उसको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। और बाकी इसका जो है और भी अन्य की अगर इसमें संलिप्तता है तो वो हम जाँच करने के लिए आए हैं। अगला समाचार देखने के लिए चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें।